बट क्या इनोग्रेशन थी तभी इस गार्डन की सफाई होगी या इन फ्यूचर भी होगी? मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस गार्डन को साफ सुथरा करें, क्योंकि दिव्यांग व्हीलचेयर पर आएंगे तो उनको साफ चीज चाहिए। और दूसरी बात, पब्लिक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप नेगेटिव सोच मत रखें और नेगेटिव मत बोलें। जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि दिव्यांग भी प्राणी हैं। वो हमारी तरह सांस लेते हैं, खुले आकाश के नीचे रहते हैं। आसपास पार्क में रहने वाले लोग भी करते होंगे, उनको एक बार भी ये नहीं सूझा कि हमें भी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। कि पंजाब में ये पहला झूला है, फख्र से सिर ऊंचा होता है या नहीं होता है? अक्सर देखा जाता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो पार्क में झूला झूल रहे होते हैं, और जो कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जो झूला नहीं झूल सकते, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये आस होती है कि काश हम भी झूला झूल सकते। तो नमस्कार, मैं हूँ नलिनी और आप देख रहे हैं सिटी होम न्यूज़। आज हम आए हैं लुधियाना के किदवई नगर में, जहाँ पे शहीद पार्क में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए झूले का उद्घाटन किया गया। और जो ये झूला है ये डीसी और एमएलए द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं और कुछ यहाँ के जो संस्था के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और कुछ दिव्यांग से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैम, आज झूले का जो उद्घाटन किया गया है लुधियाना के डीसी अफसर द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैम इंडिया का दूसरा झूला है दिव्यांग के लिए, शहीदी पार्क किदवई नगर में लगा है और इसका टाइम भी बोर्ड पर लगा हुआ है। आप टाइम पर आओ और झूलो। व्हील चेयर के साथ सीधा झूला अंदर जाता है और झूला झुलाया जाता है। बाकी मेरी टीम साथ खड़ी है, सबके सहयोग से, एमएलए के साहब के, डीसी साहब के और झूला कंपनी वालों के सहयोग से ये झूला बन सका है। और मैं दिव्यांग को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने भी सिटी में और स्टेट में ऐसा झूला लगाएं, क्योंकि ये आपका राइट है। और दूसरी बात, पब्लिक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप नेगेटिव सोच मत रखें और नेगेटिव मत बोलें। जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी हैं। कल ही मुझे किसी ने कहा कि दिव्यांग अपने जख्म दिखाकर पैसे लेता है, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता। और कुछ दिव्यांग है भी हैं, मैं उनकी सोच से सहमत भी हूँ, लेकिन सभी दिव्यांग नहीं होते ऐसे। और सभी समर्थ इंसान, यानी जो शरीर से समर्थ हैं, वो भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो भीख ना मांगे। कई बार आपने जगराव पुल में अच्छे भले आदमियों को भी भीख मांगते देखा होगा। तो हर इंसान समाज में है, कोई मांग रहा है और कोई कर रहा है। तो अगर दिव्यांग का ये झूला लगा है तो यहाँ के मोहल्ला निवासी भी नहीं चाहते थे यहाँ झूला लगे। तो आप एक बार कैमरामैन को बोलिए इस गार्डन की कंडीशन दिखाए, क्योंकि आपके चैनल ने जो इलाका निवासी क्यों नहीं चाहते थे कि झूला ना लगे? आई डोंट नो क्यों नहीं चाहते थे, शायद दिव्यांग को वो भी गिरी नज़र से देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके ही मोहल्ला निवासियों में से एक ने बोला कि मैम मैं तो चाहता था यहाँ झूला लगे, लेकिन बाकी नहीं चाहते थे। ये गेट पर भी, मेन गेट पर लॉक लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात मैम ये बताने वाली है कि डीसी साहब ने आना था इनोग्रेशन करने के लिए, तो मॉर्निंग जब हम यहाँ पर चेयर्स मांग कर लाए और यहाँ पर कर रहे थे हम सीनियर सिटीजन होम से लेकर आए, तब उनके माली और वगैरह सारे आकर सफाई कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन माली को मैं सपोर्ट और मतलब सल्यूट कर रही हूँ कि उन्होंने आकर अपनी सेवा निभाई है। बट क्या इनोग्रेशन थी तभी इस गार्डन की सफाई होगी या इन फ्यूचर भी होगी? मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस गार्डन को साफ सुथरा करें, क्योंकि दिव्यांग व्हीलचेयर पर आएंगे तो उनको साफ चीज़ चाहिए। और काउंसलर साहब का, एमएलए साहब का थैंक यू करना चाहती हूँ, उनकी मेहरबानी से रैंप बन पाया है। तो मैम ये विचार कहाँ से आया कि हमें दिव्यांगों के लिए झूला लगाना चाहिए? ये मैम एक पिक शेयर होते हुए आई थी, मैं तो झूला झूल लेती हूँ। रखबाग में मैं एक ज्योत विकलांग स्कूल के बच्चों को लेकर गई थी और वहाँ पर वो व्हीलचेयर वाले बच्चे नहीं झूल पाए थे। तब मेरे मन में आया कि एक झूला होना चाहिए जो ये भी झूल सके। जब पिक आई तो मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो मैम डीसी साहब का आना कैसे हुआ, आपने उनसे बात की थी इस बारे में? डीसी साहब ने ही ये झूला असेंबल करने के लिए पूरी हेल्प की है 110%। तो डीसी साहब ने ही करना था इसका इनॉग्रेशन भी, तो
हमारे लुधियाने के दिव्यांग क्या नागरिक भी खुशकिस्मत है, ऐसे डीसी साहब मिले हैं, वो हर एक की बात को सुनते हैं। जी, जो ये झूला डीसी साहब द्वारा ये जो उद्घाटन किया गया है दिव्यांगों के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि दिव्यांग भी प्राणी हैं, वो हमारी तरह सांस लेते हैं, खुले आकाश के नीचे रहते हैं। किसी ने उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा, उनकी पीड़ा के बारे में नहीं सोचा। और जब दीप्ति ने ये वाली बात मुझे बताई, मैं भी समर्थ की सदस्य हूँ, ओरल मुँह जबानी, क्योंकि मैं अपने दिल से इनके साथ जुड़ी हूँ, इनके काम अच्छे हैं। जब इन्होंने कहा कि मैं दिव्यांगों के लिए झूला लगा रही हूँ, तो मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई। और फिर बहुत सारी बातों में मैंने सजेशन भी दिए, सब कुछ टाइम टाइम पे आने वाली परेशानियों को और असुविधाओं को इन्होंने मुझे बताया। पार्क में लॉक लगा हुआ है, पार्क खोल नहीं रहे हैं, पार्क में गंदगी है वगैरह। और ये आज की डेट में जब इनॉग्रेशन होनी है, सुबह 8 बजे मैं आई हूँ। हालाँकि मेरे को यहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए आना था, प्रोग्राम कंडक्ट करना था, लेकिन यहाँ आकर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया, मेरे साथ वॉलंटियर्स भी थे, और यहाँ पर घास भी आज ही काटी गई है, आज ही सब कुछ। यानी एक डीसी और एक एमएलए का डर है। यहाँ पार्क का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोग, आसपास पार्क में रहने वाले लोग भी करते होंगे, उनको एक बार भी ये नहीं सूझा कि हमें भी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अफसोस होता है। जब एक जना कोई काम कर रहा होता है, उस काम के फ़ायदे देखो, उस काम के फ़ायदों को देखते हुए प्रेरित हो, आगे बढ़ो, ताकि एक की जगह और झूलें। कितनी बड़ी बात है कि पंजाब में ये पहला झूला है। फख्र से सिर ऊंचा होता है या नहीं होता है? होता है ना। जब हम इस चीज़ पे घमंड करते हैं, तो क्यों ना इतराएं और क्यों ना हर पार्क में इस तरह के झूले लगवाएं। सर, जैसा कि मैम ने बताया कि पंजाब में पहला ऐसा झूला है जो दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया गया है किदवई नगर में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। मैं खुद एक लुधियाना ऑल डिसेबल्ड एनजीओ का सेक्रेटरी हूँ डिसोवा की तरफ से। तो आज जैसा कि डीसी साहब ने खुद इनिशिएटिव लेके ये प्रोग्राम को ये किया और समर्थ के थ्रू ये किया गया है, तो मैं दीप्ति मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ, डीसी साहब का भी करता हूँ, सुरेंद्र डावर जी जो हमारे एमएलए साहब हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सारे ने मिलके एक ऐसी चीज़ इंस्टॉल की है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। झूला एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह के झूले, जिम वगैरह हर पार्क में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे व्हीलचेयर पे हैं, जिनका मन तो करता है झूलने का, लेकिन वो झूल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी, तो ये एक ऐसी चीज़ की गई है जिसके लिए कि मतलब व्हीलचेयर के साथ आप आइए, झूला झूलिए, जितनी देर झूलने का मन है उतनी देर झूलिए और आराम से आप जा सकते हैं। सर, जैसे मैम ने कहा कि जो यहाँ के जो इलाका निवासी है वो नहीं चाहते थे कि ये झूला यहाँ पे लगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की ऐसी कौन सी मानसिकता है जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि ये जो झूला है दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया जाए? देखिए, एक बैरियर समाज में ऑलरेडी चल रहा है जिससे हम जैसे समाज से भी फाइट कर रहे हैं, और इसी के लिए एनजीओस अपने अपने तरीके से काम कर रही है कि सोसाइटी को किस तरीके से ये किया जाए, क्योंकि एक गैप ये बना हुआ है दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल अपने आप को समझते हैं, हम पूरी तरह से नॉर्मल हैं जी, हमारे में कोई कमी नहीं है, बल्कि उनमें हजार कमियां हों। इन बच्चों में सिर्फ फिजिकल कमी को देख के सारी कमियां इनमें गिना दी जाती है, जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी तरह से फाइट करके करना। और डीसी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जो ये सोसाइटी के बीच में इंस्टॉल करवाया है, बच्चे आएंगे, लोग देखेंगे, शायद उनकी धीरे धीरे मेंटालिटी भी चेंज होगी। मैम, आज जो डीसी द्वारा ये दिव्यांग बच्चों के लिए जो झूले का उद्घाटन किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आई मस्ट से कि ये पंजाब का दूसरा झूला है जो पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन के लिए लगा है, एंड ये सिर्फ लुधियाना के लिए ही नहीं, पूरे पंजाब के लिए एक प्राउड मोमेंट है, बिकॉज ये इंडिया का सेकेंड झूला है। इंडिया बीइंग इतनी बड़ी स्टेट कंट्री है ना, एक छोटी सी स्टेट पंजाब में झूला लगना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड इसका सारा क्रेडिट मैं डीसी साहब को दूंगी, जिन्होंने इसको चीज़ को कंसिडर किया और आगे लेके आए वो इस चीज़ को। बाकी समर्थ एनजीओ ने काफ़ी अच्छा ये विचार लेके आए, और उन्होंने हमारा सपोर्ट मांगा, हम रोट्रैक क्लब का सपोर्ट मांगा, क्योंकि वो चाहते थे कि यूथ आगे आए और विकलांग की हेल्प करे। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एज वॉलेंटियर्स रोट्रैक क्लब आगे आए और हमने समर्थ के साथ मिल के विकलांग बच्चों के लिए कुछ किया, क्योंकि उनको हमारा सपोर्ट चाहिए है ना, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के इस चीज़ को समझना चाहिए।
मैम आप अपना थोड़े अपने क्लब के बारे में हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और आप ये समर्थ एनजीओ से कब से जुड़ी है? सो मैम हम समर्थ एनजीओ को पिछले 4-5 महीनों से जानते हैं बट हमारा इवेंट उनके साथ कोई ऐसे हो नहीं रहा था। फिर सबसे पहले वैक्सीनेशन कैंप पे हमारी फिज़िकल मीट हुई थी। फिज़िकली मीट हमारी ऐसे हुई थी कि दीप्ति मैम ने ही, जो समर्थ की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने PWD लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लुधियाना में, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने हमसे हेल्प मांगी कि PWD बच्चे इतना ज़्यादा चल के नहीं जा सकते हैं और उनको वैक्सीनेशन के टाइम थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। हम नॉर्मल हैं, हम जाके लगवा देते हैं, बट दे नीड आर सपोर्ट। तो हमारे फर्स्ट कोलैबोरेशन तब से है उनके साथ जब हमने PWD वैक्सीनेशन कैंप करी थी, और तब से ही हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। दीप्ति मैम बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को और रिकग्नाइज़ करते हैं कि हम जैसे काम कर रहे हैं उनके साथ। बाकी हम लुधियाना का ही एक क्लब हैं, रोटरा क्लब ऑफ लुधियाना सपोर्टर्स, जो रोटरी के थ्रू चलता है, रोटरी इंटरनेशनल। ये पूरा वर्ल्ड वाइड रोटरी इंटरनेशनल इज़ फेमस, तो हम उसी का एक पार्ट हैं और हम सोसाइटी के अलग अलग सोशल रिफॉर्म्स में आगे आते हैं। मैम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सोसाइटी को सिर्फ यही कहूँगी कि जितना जो नीडी हैं या जो PWD बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको हमारी सपोर्ट चाहिए, है ना, सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ हम एक छोटी सी टीम है, हम एक छोटा सा हिस्सा है सोसाइटी का। हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं एज अ क्लब, बट जो सपोर्ट दीप्ति मैम को चाहिए वो पूरा एक पब्लिक आगे आके करेगी, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम आगे नहीं आएंगे, है ना, मतलब किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम शुरुआत कर रहे हैं बट हमें उम्मीद है हमें देख के और भी लोग आगे आएंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। मैम आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ झूले पे? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मीन्स बहुत सारे दिव्यांग हैं जो झूला नहीं झूल सकते। मैं तो ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत झूल लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग हैं जो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, जिनकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी नहीं झूल सकते। तो ये झूला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो वो झूल सकते हैं। दूसरों को झूलते हुए देख करके ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए नहीं है, तो ये चीज़ अब उनके लिए भी है। तो इसके लिए मैं दीप्ति जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम आप आपको आपने जो ये जो झूला मिला है जो छोटे बच्चों को, वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे वो झूला झूल लेते हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे कहीं ना कहीं उनके मन में आस होती है कि काश हम भी झूला झूल पाते, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ फैसिलिटी उनको इस तरीके की दी जाए कि वो भी थोड़े बहुत झूले, मीन्स सारे झूले नहीं झूल सकते ऑब्वियसली, लेकिन वो कुछ झूले तो झूल ही सकते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी टेक्निक बाकी सबको ध्यान में रख के करते हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी बहुत टेक्निक दिव्यांगों को भी ध्यान में रख के करें, तो वो उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो झूले होते ही हैं। समर्थ संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि समर्थ संस्था बहुत सारे लोगों के लिए करती है, पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको कोई लीगल नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है वो देती है, UDID कार्ड बनवाती है, जो UDID कार्ड समर्थ के माध्यम से मैं बनाती हूँ, और मैं और भी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रही है समर्थ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आम जनता जो भी है, जो शारीरिक रूप से सही है, वो अपना समय इधर उधर की चीज़ों में न लगा करके थोड़ा बहुत समय निकाले दिव्यांगों की मदद के लिए। वो मदद किसी भी तरीके की हो सकती है कि दिव्यांगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, उनको कुछ नॉलेज देना, मीन्स टेक्निकल नॉलेज देना, ताकि वो आगे बढ़ करके कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें या किसी जॉब में जा सकें, इस तरीके की चीज़ें करें। हाँ, जैसा कि हमने संस्था के प्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है जो आज पंजाब में ये दिव्यांगों के लिए झूला लगा है। आपको बता दें कि पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये झूला लगाया गया है। इस झूले का उद्घाटन DC द्वारा, जो लुधियाना के DC हैं वरिंदर कुमार शर्मा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं समर्थ NGO की, उन्होंने हमें ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो ये पार्क है, यहाँ इनके आने से पहले जो ये पार्क है, इसकी जो दशा थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला कि यहाँ पे DC साहब और MLA साहब आने वाले हैं, तो इस पार्क की दशा को बिल्कुल ठीक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये
कहीं ना कहीं लोगों पे ये भी सवाल उठते हैं कि क्या सरकार का डर, क्या डीसी और एमएलए के डर से ही यहाँ पे साफ सफाई होगी। और ऐसे अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी।